मुरादाबाद की मुगलपुरा थाना पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फरहान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी के पास से पुलिस को फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें कि फरहान मुगलपुरा क्षेत्र में फर्जी नाम से रह रहा था और पकड़े गए आतंकी से नोएडा ATS और IB की टीम पूछताछ कर रही है। देखिए, फरहान अहमद नाम का है, ये 2002 में पहले ये दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और इस पे पोटा एक्ट के अधीन इस पे मुकदमा कायम हुआ था। उसके बाद वहाँ के सेशन कोर्ट से ये कन्विक्ट हुआ, 7 साल की इसको सज़ा हुई और कंडीशनल बेल उसके बाद इसको मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से। अब यहाँ तो जब इसका घर सर्च किया गया तो ये यहीं का रहने वाला है और इसके घर से एक पासपोर्ट मिला है और जिसको कि अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छुपा के इसने बनवाया है। उसके अलावा एक फर्जी राशन कार्ड मिला है और प्लस ड्राइविंग लाइसेंस जो इसने अपने भाई के नाम पे बनाया, अपनी फ़ोटो लगाई है। तो ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके बेसिस पे इस पे धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया है और इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आतंकी फरहान को 2002 में दिल्ली में निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इसे 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन ये 2009 में जमानत के बाद गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर ये जानकारी भी मिली कि ये फर्जी पासपोर्ट से कुवैत भी गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।